हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है 16 अक्टूबर, तो यहाँ पर हम लोग वालोंग डे सेलिब्रेट कर रहा है। आज इनोग्रेशन है, तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ। एक्चुअल में 16 नवंबर को मनाया जाता है, बट आज इनोग्रेशन है। आज से लेकर 16 नवंबर तक वालोंग डे सेलिब्रेट किया जाएगा। आज आप लोग को थोड़ा कुछ हम दिखा देगा क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है एंड क्या होगा। ओके, आप लोग एंड तक बने रहिए। दिस इज द एंट्रेंस, ये सब यहाँ आर्मी लोगों ने बनाया है। यहाँ एंट्रेंस हो गया है एंड प्रोग्राम वहाँ पर चल रहा है। आज आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्या क्या प्रोग्राम होगा। जस्ट ये वालोंग डे सेलिब्रेशन यहाँ किया जाता है, एवरी ईयर 16 नवंबर को किया जाता है, बट अभी आज 16 अक्टूबर आज इनोग्रेशन हो रहा है और ये 1 मंथ तक चलेगा बोला गया है, 16 नवंबर तक। आप लोग को मैं प्रोग्राम दिखाती हूँ। किया। इसी स्मारक से प्रेरणा लेकर हमारी भारतीय सेना ने वालोंग दिवस की डायमंड जुबली उत्सव के उपलक्ष्य पर सैनिकों की वीरता, शौर्य और साहस को दर्शाते हुए एक लोगो तैयार किया है, जो हमारे सैनिकों को और देशभक्त नागरिकों को भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सदैव प्रेरित करता है। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जिन इलाकों में लड़ गए युद्ध को दुश्मन की आज भी टाइगर माउथ के नाम से जानता है, वालोंग क्षेत्र में लड़े गए उस विध्वंसक युद्ध में शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देने में उस समय के बहादुर सेनानियों और वालोंग के वीर नागरिकों का योगदान भी सराहनीय था और हमें गर्व है कि आज वह भी हमारे बीच मौजूद हैं, जिनमें 6 कुमाऊं रेजिमेंट के कर्नल SJS गरेवाल सेवानिवृत्त, कर्नल KN गोडबड़े सेवानिवृत्त, लेट कर्नल RN शेरवानी के सुपुत्र मिस्टर मनीष शेरवानी और सेकंड मराठा लाइट रेजिमेंट के कर्नल राजेश सिंह सेवानिवृत्त की धर्मपत्नी मिसेस अनीता सिंह शामिल हैं। इसी युद्ध में हवाई जिले के चांगयुंग इलाके के रहने वाले मयोसो पुल जी, जिन्होंने 21 वर्ष की आयु में इस युद्ध में हिस्सा लिया, इसी दौरान उन्होंने अपना बायां हाथ ग्रेनेड विस्फोट में गवा दिया। हवाई के रहने वाले मकौन गांबरे जी ने आवश्यक गोला बारूद को सैनिकों के लिए दीचू तक पहुंचाने का कार्य किया। सेला मयो जी ने इस युद्ध में भारत की मुख्य पोस्ट तीलम टॉप तक गोला बारूद और डिफेंस स्टोर पहुंचाने का कार्य किया और इसी कार्य के दौरान इन्हें कमर में चोट भी आई, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का निष्ठा से निर्वाह किया। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 3 कोर से अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों और वीर नागरिकों को सम्मानित करें। सबसे पहले मैं सेला मयूर जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्टेज पर आएं। कहां जा सकते हो?
टू माई हॉस्टल बिकॉज मेरे सर्दी हो रहा है और बहुत हेडेक हो रहा है हमको. सो हम वापस आ गया, प्रोग्राम स्टिल गोइंग ऑन बट हम नहीं अटेंड कर पाया. सो आज का ब्लॉग बस इतना तक ही. होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा. एंड इफ आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो. एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. थैंक यू, बाय बाय.